एम एल एंटी इट इज़ एम रेस टू पा वन एल रेस्ट टूपा टू टी रेस्टूपा माइनस टू और v की डायमेंशन क्या होती है दिस इज़ एक्चुअली टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड का इट इज़ एक्चुअली इक्वल वन ओवर t तो वी कैन राइट टी रेस टूपा माइनस वन अब आपके पास बचा क्या एम एल रेस्टूपा टू टी रेस टू पार माइनस टू प्लस वन सो इट इज़ माइनस वन तो हमारे पास h की डायमेंशन आ गई अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किसकी सेम डायमेंशन है एच के जैसी प्लैंक कांस्टेंट के जैसी तो सबसे पहले हम लीनियर इम्पल्स का निकालते हैं लीनियर इम्पल्स क्या होता है एफ डॉट टी और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल पी ओवर डेल्टी डॉट डेल टी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू एम वी एम को तो एम वन ही लिखोगे वी को स्पीड को कैसे लिखते हैं एल टी माइनस वन सो दिस इज़ द आंसर यू कैन सी कि लीनियर इम्पल्स तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा एच के साथ सो ए इज़ कैंसल्ड बी देखते हैं बी है हमारा एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स क्या होता है हमारा इट इज़ एम इंटू वी इंटू आर तो मास कितना हो जाएगा आपका इट इज़ एम v कितना हो जाएगा आपका इट इज़ एल टी माइनस वन और आपका r कितना हो जाएगा इट इज़ एल ओनली सो आपको आंसर कितना मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेस्टूपा माइनस वन अब देखो h के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ये तो b तो पॉसिबल है c भी चेक कर लेते हैं इट इज़ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा इट इज़ एम वी सो यू कैन राइट एम एल टी माइनस वन तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया आपका और आप देख रहे हो कि ये मैच नहीं कर रहा सी वाला अब लास्ट बचा है हमारे पास विच इज एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा इट इज अगेन एम वी आर और उसके लिए भी हम सेम ही लिखेंगे जो एंगुलर इम्पल्स के लिए लिखा था इट इज एम वन एल रेस्टर टू टी रेस्टर माइनस वन तो एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम का बिल्कुल सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है तो आप देख सकते हो कि बी और डी आपके करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ दिस फोर